हेलो दोस्तों, हिंदी एंड वही टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसे डाउनलोड करने के बाद आप अपने मोबाइल के लॉक स्क्रीन पर काफी सारे एनिमेशन ऐड कर सकते हैं जो देखने में काफी कूल लगते हैं, जो आपके स्मार्टफोन को और भी ज्यादा स्मार्ट बना देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने अभी तक अपने मोबाइल में लॉक स्क्रीन पर किसी भी तरह का एनिमेशन शो नहीं किया होगा, लेकिन दोस्तों आज आप इस वीडियो को देखने के बाद काफी सारे एनिमेशन अपनी लॉक स्क्रीन पर शो कर सकते हैं और भी आपको काफी सारे फीचर इस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाते हैं। इसका नाम है स्क्रीन लॉक। 1 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है और सिर्फ 1.6 MB की ये एप्लीकेशन है। दोस्तों आप देख सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, आप इसे 1 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इसे कुछ परमिशन को अलाउ करना होगा, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है और एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहां से आपको इसे एनेबल करना होगा और फिर दोस्तों यहां से आप इसे एक्टिवेट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है और सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको काफी सारे ऑप्शन यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसके अंदर जो बहुत ही कमाल का एक फीचर आपको देखने के लिए मिलता है एनिमेशन, जैसे दोस्तों आप अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर जब लॉक करेंगे तो दोस्तों जो लॉक स्क्रीन है आपको काफी यहाँ पे कूल आपको इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे आप मोबाइल की स्क्रीन को लॉक करोगे तो आपको इस तरह का यहाँ पे एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा। काफी सारे दोस्तों यहाँ पे आपको एनिमेशन यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टीवी की तरह एनिमेशन भी देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे काफी सारे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अगर एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर किसी एक को मैं सेट कर लेता हूँ जो मेरा फेवरेट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये वाला सेट कर देता हूँ। अब दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर आने के बाद इसे लॉक करोगे तो इस तरह से आपका मोबाइल एनिमेशन करेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपने मोबाइल को शेक करके भी लॉक कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे एनेबल कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों मैं अपने मोबाइल को शेक कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं लॉक हो गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से मैं इसे अनलॉक कर देता हूँ, फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी तरह से वर्क भी कर रहा है। इसके अंदर दोस्तों और भी कुछ फीचर आपको मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं शेक करने पर सिर्फ होम स्क्रीन पर लॉक हो, किसी एप्लीकेशन के अंदर ना हो, तो वो ऑप्शन भी दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ से आप इसे ऑन कर लीजिए और दोस्तों यहाँ से आप इसे परमिशन को भी अलाउ कर दीजिए। तो दोस्तों फिर क्या होगा, जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन में शेक करेंगे तो लॉक नहीं होगा, सिर्फ होम स्क्रीन से शेक करने पर लॉक होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम बैक आ जाते हैं और दोस्तों आपको क्या करना है, विजिट में चले जाना है। अपनी स्क्रीन को लॉन्ग प्रेस कीजिए और विजिट वाले सेक्शन में चले जाइए और यहाँ पर दोस्तों इस एप्लीकेशन का आपको एक आइकॉन देखने के लिए मिलेगा, उसे आपको अपनी होम स्क्रीन पर ऐड करना होगा। तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ किस तरह से आपको करना है। आप देख सकते हैं स्क्रीन लॉक, इसे आप लॉन्ग प्रेस करके अपनी स्क्रीन पर रख दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर आपको जब भी अपने मोबाइल को लॉक करना है तो आपको पावर बटन दबाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस आइकॉन पर क्लिक कीजिए तो एनिमेशन आपको शो होगा और मोबाइल की स्क्रीन लॉक हो जाएगी। तो बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और बहुत ही अच्छी तरह से वर्क भी कर रही है जैसे कि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं। और अगर आपको इसे बंद करना है तो दोस्तों सिंपल से आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहां से इसे आप ऑफ कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको इसे अनइंस्टॉल करना है तो आप यहां से इसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों पहले आपको क्या करना होगा, आपको सेटिंग्स में जाके इसे जो आपने परमिशन दी है एडमिनिस्टर की, आपको वहां से इसे डीएक्टिवेट करना होगा। तो इसके लिए आपको सिक्योरिटी ऑन लॉक स्क्रीन पर जाना होगा दोस्तों, और यहां पर आप अदर सेटिंग्स में चले जाइए, सिक्योरिटी सेटिंग्स में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइस एडमिनिस्टर, यहां से दोस्तों आपको इसे डीएक्टिवेट कर देना होगा, जैसे कि मैंने कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं ये डीएक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ से दोस्तों इस तरह से आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं एप्लीकेशन को। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसे अनइंस्टॉल करके भी आपको दिखा देता हूँ, तो ये अनइंस्टॉल हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये एप्लीकेशन आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।